बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। अब अयोध्या के महंत राजू दास ने फिल्म पठान पर भड़काऊ बयान दिया है। राजू दास ने फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की है और साथ ही उन्होंने शाहरुख खान पर सनातन धर्म का मजाक बनाने का भी आरोप लगाया है। महंत राजू दास के बयान ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। अयोध्या के महंत राजू दास ने कहा, मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि वो फिल्म पठान का बहिष्कार करें, जहां भी ये फिल्म लगे उस सिनेमा घरों को फूंक दें, जैसे को तैसे की तरह ही जवाब देना चाहिए। शाहरुख खान पर भी महंत राजू दास ने निशाना साधा है। महंत ने कहा कि शाहरुख खान लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं। फिल्म में भगवा रंग का इस्तेमाल बिकिनी के तौर पर क्यों किया गया? ये एक नग्न प्रदर्शन है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महंत राजू दास ने कहा, बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस कोशिश में रहता है कि किस तरह से सनातन धर्म का मजाक बनाया जाए, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए। दीपिका पादुकोण ने फिल्म पठान में भगवा बिकिनी पहनी है। दीपिका ने साधु संतों और राष्ट्र के भगवा रंग को ठेस पहुँचाया है, ये दुखद है। अब जाहिर तौर पर महंत ने बयान देने के बाद इस विवाद को एक अलग ही मोड़ दे दिया है, पर इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेन